नमः शिवाय। आज फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि बुधवार श्रवण नक्षत्र है, जिसके नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, दानी, धनी और प्रसिद्ध होते हैं। सत्संगति वाले विद्वान तथा प्रसिद्ध होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा और चंद्रमा की कुंडली में स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में ही रहेंगे। मेष राशि के लिए चंद्रमा आज बुध और केतु के साथ आपके दसवें घर में रहेंगे। चंद्रमा की स्थिति आजकल पीड़ित अवस्था में मानी जाएगी। सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी मन में अशांति और असंतुष्टि की भावना बलवती रहेगी। काम करने में उत्साह की कमी और मन में हर काम के प्रति अनावश्यक व्यग्रता बनी रहेगी। आपके बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय और सार्थक पहल व्यावसायिक पक्ष को गति देंगे। फिर भी काम करने में थोड़ी संघर्ष की स्थिति महसूस होगी। रात की नींद में कमी संभावित है। संतान के प्रति संतोषजनक वातावरण बना रहेगा। सामाजिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। रोज रात में सोते समय एक गिलास साफ पानी अपने सिरहाने रखें और सुबह उठकर किसी पौधे में डाल दें। वृष राशि वाले जातक हर रोज क्रमशः शारीरिक रूप से स्वास्थ्य और मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपकी कार्य ऊर्जा और विभाग के कर्मचारी की सार्थक पहल लाभदायक सिद्ध होगी। उलझे हुए काम को सुलझाने में मदद मिलेगी। धार्मिक भावना बलवती रहेगी। संतान के प्रति चिंता का माहौल अभी बना रहेगा। नौकरी करने वाले जातक अपने अधिकारियों से संतुष्ट रहेंगे। आपकी सार्थक पहल हर काम को सकारात्मक रूप में अंजाम देगी। मिथुन राशि वाले जातक अपनी गतिविधियों को विरोधियों की नज़र से प्रभावित ना होने दें। अपनी कार्य योजनाओं को लागू करने से पहले किसी से शेयर ना करें। स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव आज बना रहेगा। व्यावसायिक उन्नति और आर्थिक लाभ आपके लिए किए गए मेहनत के अनुरूप मिलता जाएगा। आपके प्रयास और आपका भाग्य अचानक लाभ में सहयोग देंगे। संतान के प्रति सुखद माहौल बना हुआ है। विरोधी परास्त रहेंगे। छोटी यात्रा या प्रवास की स्थिति बनी हुई है। माँ दुर्गा की आराधना करें, राहत मिलेगी। कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर चौतरफा दायित्व का बोझ बढ़ा हुआ रहेगा। यदि सरकारी कर्मचारी हैं तो कार्य की अधिकता रहेगी। व्यावसायिक पक्ष में उत्थान या विकास का योग बना हुआ है। अपनी पूरी कार्य ऊर्जा के साथ लगे रहें। आपके हर प्रयास सार्थक होंगे। ससुराल पक्ष से आवागमन या समारोह में शामिल होने की गतिविधियां बढ़ी रहेंगी। संतान संबंधी सुखद समाचार मिलेगा। विरोधी परास्त रहेंगे। अपनी पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप लाभदायक रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों को अपनी सक्रियता और दक्षता बनाए रखने का समय हो चुका है। परिस्थितियां हर तरफ से आपके अनुकूल हैं। अपने सार्थक पहल को जारी रखें। शासन सत्ता और मित्र बंधुओं से सहयोग मिलता रहेगा, जो कि आपके व्यावसायिक उन्नति और आर्थिक पक्ष को सहायक होगा। कुछ पेट संबंधी विकार की वजह से आपकी क्षमता प्रभावित हो सकती है, इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखें। किसी मामले में निवेश के लिए आज का समय उचित नहीं है। वाद विवाद से संबंधित मामलों के लिए समय अनुकूल है। त्वरित निर्णय लाभदायक होगा। कन्या राशि वाले जातकों को अपने खान पान में सुधार और सावधानी आवश्यक है। पेट में दर्द या जलन की संभावना बनती है। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष में आपके प्रयास सार्थक होंगे। बड़े वित्तीय मामलों में निवेश का योग बना हुआ है। मित्रों व अपने परिचितों से धन लाभ की संभावना बनी हुई है। विरोधियों के साजिश के शिकार हो सकते हैं।
अपनी योजनाओं और वित्तीय लेन देन के प्रति सावधानी अपेक्षित है। माँ दुर्गा की आराधना करें और गाय को घी लगी हुई रोटी खिलाएं, अनुकूलता मिलेगी। तुला राशि वाले जातकों को अपनी कार्य योजनाओं में सरकारी महकमे का और कर्मचारियों का सहयोग मिलता जाएगा। पूरे दिन पारिवारिक माहौल सुखद और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। आपके स्वास्थ्य और आत्मविश्वास में क्रमशः सुधार का दौर जारी है। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। आपके व्यावसायिक परिक्षेत्र में राजनीतिक व्यक्तियों का शामिल होना लाभदायक सिद्ध होगा। आर्थिक उन्नति का दौर चल रहा है। आपके प्रयास सार्थक होंगे। वृश्चिक राशि वाले जातक अपने अंदर और अभूतपूर्व ऊर्जा महसूस करेंगे, क्योंकि मंगल आपकी राशि पर स्वयं बैठे हुए हैं, जो कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्यपूर्वक सामना करने की क्षमता पैदा करते हैं। नई दिशा में नई योजनाओं के प्रति रचनात्मक प्रयास सफल होंगे। अपने भविष्य की योजनाओं को किसी से शेयर ना करें, जब तक कि अंतिम लक्ष्य तक ना पहुंच जाएं। निजी संबंधों में खुशहाली और मधुरता महसूस होगी। मित्र बंधुओं से अपेक्षित सहयोग मिलता रहेगा। संतान संबंधी शुभ कार्य के प्रति सहयोग मिलेगा। धनु राशि वाले जातकों को कई विषयों के प्रति कार्य की अधिकता बनी रहेगी। शनि द्वारा आपके अंदर मेहनत करने की प्रवृत्ति बनाई जा रही है। धैर्यपूर्वक सारे काम को निपटाते जाएं। मन में उद्वेग या टकराहट की भावना को पैदा ना होने दें। शनि देव धैर्य की परीक्षा लेने में सबसे पहले नंबर पर आते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता और मेहनत आर्थिक उन्नति के लिए एक नया प्लेटफार्म विकसित करेगी, जिसका फल भविष्य में आने वाले समय में मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के प्रति आज चिंता का माहौल महसूस होगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का मानसिक जप करें, राहत मिलेगी। मकर राशि वाले जातक के लिए मन में विचारों का तेजी से परिवर्तन संभावित है, क्योंकि चंद्रमा आज आपकी राशि पर श्रवण नक्षत्र में है। अपनी कार्य योजनाओं में भली भांति सोच समझकर महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य संबंधी और संतुष्टि आज बनी रहेगी। आर्थिक मामले में सहयोग बना हुआ है। आपकी कार्य योजनाओं में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। वित्तीय निवेश का योग बना हुआ है। विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। धार्मिक भावना बलवती रहेगी। पूर्वाभास और आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा का दिशा निर्देश लाभदायक सिद्ध होगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज उत्साहजनक स्थिति बनी रहेगी। अपनी योजनाओं में परिश्रम और धैर्य लाभदायक स्थिति पैदा करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी सुधार की प्रक्रिया जारी है। घरेलू और संतान के प्रति अच्छे कामों में खर्च संभावित है। रुकी पड़ी इकाइयों को चलाने या नई व्यावसायिक इकाइयों के सृजन के लिए समय उपयुक्त है। प्रयास करें, सफलता मिलेगी। धार्मिक कार्यों में मन लगा रहेगा। विवादित योजना को सुलझाने का प्रयास करें, समय अनुकूल है। मीन राशि वाले जातकों के लिए विकास और आर्थिक उन्नति की गति अपेक्षा के अनुरूप धीमी है। अपेक्षित सुधार लाने का प्रयास करें। बार बार आपके सार्थक प्रयास बाधित हो जा रहे हैं। बाहरी वातावरण अनुकूल है। स्वास्थ्य संबंधी कारकों को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्य योजनाओं में सार्थक पहल करने की गति को बढ़ाने की आवश्यकता है। भाग्यवश काम अच्छे होंगे। संतान के प्रति संतोषजनक स्थिति बनी रहेगी। आकस्मिक छोटी यात्रा संभावित है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।